नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 8.3 लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसका 10वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। दोस्तों, मान लेते हैं कोई छोटा सा नगर है या कस्बा है, कोई तहसील है, उसकी दोस्तों जनसंख्या हर वर्ष 5% के हिसाब से बढ़ रही है। और 2003 में दोस्तों उसकी कितनी जनसंख्या थी? 54,000। हमसे क्या पूछ रहा है 2001? दोस्तों, जिस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज हम ब्याज पे लगाते हैं, वो जनसंख्या पे भी लगा सकते हैं। कोई भी किसी कीटाणु, जीवाणु, कोरोना के वायरस की बढ़ोतरी किस प्रकार हो रही है उस पर भी लगा सकते हैं, अगर हमें ये दे दिया जाए तो। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है बढ़ोतरी का या घटोतरी का, ये सिर्फ ब्याज पे ही लिमिटेड नहीं है, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमें दोस्तों दे रखा है 2003 की जनसंख्या 54,000। ठीक है दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं, माना 2001 की जनसंख्या थी एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स मान ली हमने जनसंख्या। तो दोस्तों 2002 में कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 2002 में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी? कितनी जनसंख्या बढ़ेगी 2002 में? दोस्तों एक्स का 5%, 5% के हिसाब से बढ़ रही है ना, तो इतना और बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स बटा बीस और बढ़ जाएगा 5% के हिसाब से। 2002 में एक्स तो रहेगी, इतनी और बढ़ जाएगी। 2003 में कितनी बढ़ेगी? जिस प्रकार से दोस्तों हम साधारण ब्याज निकालते हैं, तो उसी तरीके से निकाल। 2003 में कितनी बढ़ेगी दोस्तों? ये वाला तो होगा ही 5% एक्स का 5% तो हमने निकाला ही, और साथ में ही इसका भी 5%। इसका 5% कितना हो जाएगा? x/20 गुणे में 5%, यानी 5/100, यानी काट के दोस्तों 1/20। तो दोस्तों ये कितना हो गया? x/20 प्लस x/400। अगर दोस्तों हम ये जोड़ दें बढ़ोतरी, ये दोनों बढ़ोतरी जोड़ दें दोस्तों, है ना, और ये एक्स जोड़ दें, 2002 और 2003 की बढ़ोतरी हमने जान ली, और शुरू में 2001 में एक्स थी, हमने ये माना। ये अगर हम तीनों जोड़ दें तो हमें मिल जाना चाहिए 54,000 2003 की जो जनसंख्या है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों। एक्स प्लस x/20 प्लस x/20 प्लस x/400, यही ना दोस्तों, ये 2001 की जनसंख्या है। ये 2002 में कितनी जनसंख्या बढ़ गई? ये 2003 में कितनी जनसंख्या बढ़ गई? ये सारा जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 54,000। इसको दोस्तों लघुत्तम ले लें, 400 हो जाएगा, 400 लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ आ जाएगा 400x। ये 20 है, तो 20 का 20 से करेंगे तो 20x, यहाँ भी 20x, यहाँ सिर्फ x, ये हो जाएगा दोस्तों 54,000। 400 इधर जाएगा, ये सारा जोड़ेंगे तो 441x बराबर 54,000 गुणे 400। एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों? 54,000 गुणे 400/441। दोस्तों ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 27,000। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये फिर से 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 में 27, अब नहीं कटेगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 से काटने पर दोस्तों ये 18 आता, 27 नहीं, 18, 18 आता दोस्तों ये, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। फिर से 3 से काटा है तो ये 6,000 आ जाएगा। 6,000 गुणे 400 को 49 से भाग देना है दोस्तों। 6,000 गुणे 400 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24 लाख। इसका हमने गुणा किया है दोस्तों 6,000 का 400, इसको हमें भाग देना है किससे? 49 से। ये दे लेते हैं 49 से भाग, 49 दोस्तों 50 के करीब है, तो आप 50 का गुणा करके जैसा आएगा उस हिसाब से कर सकते हैं। 50 चौक 200 था, तो दोस्तों 4 से ये जाएगा, क्योंकि 50 पंजे 250 हो जा रहा है, उससे कम है ना। 50 चौक 200, 200 होता मगर ये एक कम है तो 196 बचा दोस्तों, ये 44, एक जीरो उतारा।
और ये 49 हम दोस्तों 490 और निम्मे निम्मे हो जाता दोस्तों, अगर 50 ये होता तो है 400 के करीब, मगर 28 से जाएगा दोस्तों, 28 से चला जाएगा। 28 से कितना होता है, 8 निम्मे 72, 8 निम्मे 72 के 2 7 8 लगा, और 8 चौक 32 और 7 39, ठीक है दोस्तों। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48, 10 में से 2 गया 8, 1 0 और उतारा 480। इस बार दोस्तों निम्मे चला जाएगा, निम्मे 441, कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, और ये 7 में से 4 गया 3, एक और उतारा आपने 390। अब दोस्तों ये 70 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, 8 में इतना था, एक और कम कर दिया हमने, कितना 343। इसको घटाइए दोस्तों, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 4 गया 4, एक और 0 उतारिए, ये भी गया था 441, कितना, निम्मे निम्मे जाएगा 441, बचेगा कितना दोस्तों, 290, मतलब 29 बचा, हमने एक दशमलव लगा लिए, दशमलव लगा लिए दोस्तों, 29 बचा था, एक एक दशमलव लगा लिए, 290 हो गया। अब ये 290 किससे जाएगा दोस्तों, 49 पंजे कितना होता है, 49 पंजे 50 पंजे 250, तो 49 पंजे 245, ठीक है, ये बचेगा 45, यानी 450 हो जाएगा, 450, फिर 200, 450, ये निम्मे 441, 450 में से 441 गया, बचा 9, ठीक है दोस्तों, इसी पे रुक जाते हैं। ये दोस्तों आगे हमारी जनसंख्या 2001, 2001 में इतनी जनसंख्या थी, जो बढ़ के 2003 में 54,000 हो गई, 48,979.59, 10.59 को दोस्तों ये जनसंख्या है, लोगों की जनसंख्या 10 नहीं हो सकती, ये 5 से ज्यादा है दोस्तों, इसका सन्निकटन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 48,980, ठीक है दोस्तों। कितनी जनसंख्या हो गई माना दोस्त, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, मगर आपके लिए अभ्यास भी जरूरी है इस उम्र में, ठीक है दोस्तों। कितनी जनसंख्या हो गई, लिख लीजिए जनसंख्या यहाँ पे, 49,780, 980, 49,980, कितना है, 49,000, 49,000, 48,980 दोस्तों, सॉरी 48,980, 48,980 यही ये है 48, ठीक है दोस्तों। आइए ये निकालते हैं 2005 में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2003 की हमको दे रखी है, तो 2004 में कितनी बढ़ेगी, 2004 की बढ़ोतरी बताओ दोस्तों, 2003 की तो हमें दे ही रखी है, तो हम 2004 की बढ़ोतरी 2005 की बढ़ोतरी करके जोड़ देंगे, तो आ जाए 2003 की है 54,000, ये आसान है, ये वाला पार्ट आसान है दोस्तों। 2004 में कितनी बढ़ेगी, इसका 5%, 54,000, 5% यानी दोस्तों 5/100, 0 से 0 गया, इसको काट के आप 20 भी कर सकते थे, कितना आ गया दोस्तों, ये 5 चौक 20 के 0 के 0 2 हासिल लगा, 5 5 25 और 2 27, 2700 जनसंख्या बढ़ेगी दोस्तों 2004 में, और 2005 में कितनी बढ़ेगी, ये है दोस्तों असली प्रश्न, 2700 तो बढ़ेगी ही इस 54,000 के कारण, और ये 2700 का भी 5% बढ़ेगी, 2700 का 5% कितने होता है दोस्तों, 1/20 कर दीजिए, 0 से 0 गया, 270 का आधा 135, ये दोस्तों ये आप जोड़ देंगे ये चारों, ये तो जनसंख्या ही है, और ये बढ़ोतरी, ये जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2005 की जनसंख्या, कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 27 5400 54 1 5535, 5535 ये हो गया, मतलब 2003 के हिसाब से 5535 और बढ़ जाएगी 2 सालों में, तो 54,000 में दोस्तों 5535 जोड़ेंगे तो 5 9 5 3 5 59,535 हो जाएगी, सॉरी ये ऐसे नहीं लगाएंगे तो पैसों के लिए लगाते हैं, 59,535, कितनी जनसंख्या हो गई 2005 में, 59,535 दोस्तों। ये दोनों ही प्रश्न हमने साधारण ब्याज वाले तरीके से निकाला है, और फिर ब्याज पे ब्याज निकाला है, जैसे ये जो है ये ब्याज पे ब्याज वाला तरीका है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी निकालें, a बराबर p 1 + r / 100 की पावर t, इस वाले